उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद से एसटीएफ का लगातार एक्शन जारी है। अलग अलग जिलों में परीक्षा में सेंध लगाने वालों की पहचान कर दबोचा जा रहा है। इसी कड़ी में कार्रवाई के दौरान शुक्रवार को एसटीएफ की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी, जब मुजफ्फरनगर से एसटीएफ ने आरोपी प्रवीण उर्फ मिंटू बालियान को गिरफ्तार किया। जब आरोपी से पूछताछ की गई, तो उसने कई चौंकाने वाले बड़े खुलासे किए। पता चला है कि आरोपी प्रवीण उर्फ मिंटू भारतीय सेना से रिटायर्ड है और अपनी रिटायरमेंट के बाद से भर्ती परीक्षा में सेंधमारी करने वाले गिरोह का हिस्सा बनकर उनके साथ काम कर रहा है। दरअसल गुरुवार को नकल कराने वाले गिरोह के फरार आरोपी कपिल तोमर की गिरफ्तारी गाजियाबाद से की गई थी, जिससे आरोपी प्रवीण के बारे में पता चला, जिसके बाद बिना देरी किए हुए एसटीएफ ने आरोपी को धर दबोचा। जांच में पता चला है कि आरोपी प्रवीण पहले भी एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा का पेपर लीक करा चुका है। आरोपी के पास से सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा के 9 एडमिट कार्ड मिले हैं। इसके अलावा यूपी पुलिस सिपाही भर्ती से संबंधित प्रश्न पत्र भी मिले हैं। फिलहाल आरोपी प्रवीण से जांच टीम की पूछताछ जारी है और गिरोह से जुड़े और सदस्यों की जानकारी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। एसटीएफ की जांच में आगे क्या क्या सामने आता है, इसका सभी को इंतजार है। बता दें कि 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसमें 60,000 से ज्यादा पदों के लिए करीब 45 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, लेकिन पेपर लीक की खबर आने के बाद अभ्यर्थियों में जमकर आक्रोश दिखा था, जिसके बाद योगी सरकार ने पेपर रद्द करने का ऐलान किया। साथ ही 6 महीने के भीतर फिर से पेपर करवाने का आश्वासन दिया।